हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो तीज स्पेशल है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से अपना बैंगल्स कलेक्शन शेयर करने जा रही हूँ। इस वीडियो में मेरे पास जितने भी बैंगल्स हैं अलग अलग डिजाइन के, वो सब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो अभी तीज आने वाला है, तो इस वीडियो को देख के आप लोगों को हेल्प मिल जाएगा। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी अपनी इस लाख की लहठी से, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट है। और ये दुल्हन लहठी है, आप इसको बनारसी साड़ी पे, लहंगा पे या फिर किसी भी डिजाइनर साड़ी पर पहन सकती हैं। इसके अलावा और भी लहठी है, चूड़ियां हैं, जो कि मैं आप लोगों को एक एक करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो मेरी लहठी है पूरे पे वर्क है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये जो है, ये मेरे पास कांजीवरम साड़ी है, उसी का सेट है, इसी कलर की साड़ी है मेरे पास। बीच में मैंने मतलब ब्लॉग वगैरह नहीं बनाया है, तो मैंने नहीं दिखाया है, मुझे याद है, तो आप लोगों ने नहीं देखा होगा। होगा तो मैं दिखाऊंगी। तो अगर आपको हेवी में चाहिए तो आप इस तरह का ले सकते हैं, बहुत ही सुंदर लुक आएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, ये देखिए, ये दूसरी, ये भी लाख की ही लहठी है। और हमारे साइड में लाख की ही पहनी जाती है ज्यादातर, तो मेरे पास ज्यादातर लाख की ही है, जितना भी आप यहाँ पर देख रहे हैं। और इसके ऊपर लिखा हुआ है सदा सौभाग्यवती भवा, और सदा सौभाग्यवती भवा लिखा हुआ साड़ी चुनरी सब आता है, तो आप इस तरह का भी ले सकते हैं। ये मल्टी कलर में है, किसी भी कलर की साड़ी के साथ पहन सकते हैं। इसमें रेड भी आता है, अलग अलग कलर का आता है। और ये तो मेरा मतलब कंगन टाइप का है, सिंपल। और ये देखिए, इस तरह का मैं लेके रख लेती हूँ, इस तरह का, अगर किसी मतलब लहठी के साथ मिला के पहनना हो, अगर जैसे कि इसमें कम है, इसको मुझे ज्यादा करना है, तो मैं ये मिला लेती हूँ बीच बीच में डाल के, साइड में डाल के। और नेक्स्ट ये देखिए, बहुत ही सुंदर है ये लहठी, आप देख सकते हैं, येलो पिंक कलर के साथ आप इसको पहन सकते हैं, तो आप इस पैटर्न में भी ले सकते हैं। और नेक्स्ट ये मैचिंग लहठी है, ये भी लाख की ही है, तो आप इस पैटर्न में ले सकते हैं। ये तो मैंने मतलब टोटल इसमें एक दर्जन है, आप चाहे तो पूरा मतलब कि एक हाथ के लिए इतना ले सकते हैं, दूसरे हाथ के लिए फिर दूसरा सेट बनवा सकते हैं, तो इस तरह का भी आप ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा लुक आएगा। इसके बाद अगर आपको मन हो तो आप चूड़ा भी पहन सकते हैं, अगर आपके पास शादी का चूड़ा पड़ा हो तो। लेकिन हमारे साइड में डायरेक्ट चूड़ा नहीं पहना जाता है, साइड में हम क्या करते हैं कि एक भी, कम से कम एक भी लाख की लहठी लगा लेते हैं, फिर पहनते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, ये देखिए, ये ग्रीन कलर का बहुत ही खूबसूरत कंगन है। और इसको मैं जैसे कि इसके बीच में सेट लगा के पहन लेती हूँ, या फिर ये पहनना हो किसी भी बीच में, मतलब किसी के भी बीच में लगा के मैं पहन लेती हूँ। ये तो सिंगल है, इस टाइप का भी आजकल बहुत चला हुआ है, राधा कृष्ण वाला, तो आप इस टाइप का भी लेके पहन सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगता है ये वाला भी। और इस तरह से आप चाहे तो चुनरी का भी, रेड ग्रीन ये सब मिक्स करके पहन सकते हैं, अलग अलग कलर लेके। इसके बाद आप इस तरह का भी पहन सकते हैं, देखिए, प्लेन चूड़ियां मिक्स करके, रेड ग्रीन सब मिक्स करके, येलो वगैरह, रेड ग्रीन येलो सब मिक्स करके आप पहन सकते हैं। तो हमारे यहाँ जैसे क्या होता है कि अगर हम ये पहनेंगे तो हमें साइड में एक एक लाख का भी लगाना पड़ेगा। ये देखिए, आयो सावन, हरा भरा सावन, ये तो मैंने सावन में लिया था। इसके अलावा आप इस तरह से भी कलरफुल ले सकते हैं, लहठी पहन सकते हैं कलरफुल इस तरह का। और इस टाइप से आप थ्री पीस में भी पहन सकते हैं, इस तरह से अलग अलग कलर का आपको मिल जाएगा, तो आप अपने साड़ी से मैच करा के पहन सकते हैं। देखिए, हमारे साइड में इस टाइप का बहुत ज्यादा चलता है, तो हम तो किसी भी ओकेजन पे इस तरह का पहनते हैं। देखिए, ये मेरा दूसरा राधा कृष्ण का है, और ये देखिए, इसका एक कहीं पड़ा होगा, ये बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ज्यादा चला हुआ है आजकल। और ये देखिए,
इस टाइप का भी आप ले सकते हैं, या फिर आप प्योर लाह का भी ले सकते हैं। प्योर लाह तो जरूर पहनते हैं हम लोग। मैं आप लोगों को बता दूं कि तीज में प्योर लाह जरूर पहनते हैं, भले ही बाद में कुछ भी हम मिक्स कर ले, लेकिन प्योर लाह जरूर पहनते हैं। जैसे इस टाइप का प्योर लाह, इसमें कोई भी मतलब मेटल मिक्स नहीं है। और ये तो मेरी मैचिंग है ब्लू साड़ी की, और ये देखिए ये सब मेरी शादी की है। तो ये सब तो अब पुराना हो गया है, मतलब ओल्ड फैशन है, तो बस मैंने संभाल के रखा हुआ है कि अच्छा लगता है देख के। तो इस टाइप से आप मतलब न्यू लहठी लेके पहन सकते हैं, नई चूड़ियां लेके पहन सकते हैं तीज पे। आप लोगों को इसमें से सबसे अच्छा कौन सा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।